अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहले सुन्नत वल जमात तांबूर की तरफ से हिदायत मौसूल हो गए हैं, मैं उन्हें आपकी जानकारी के लिए पढ़ता हूँ, सुनिएगा। मोहतरम मुतवल्ली साहब व गिरामी कदर अराकीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अर्ज़ ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दूसरी अज़ीमुश्शान ईद ईदुल अज़हा की आमद है, लिहाजा जमी अहबाब से गुजारिश है कि दर्ज ज़ैल हिदायात पर एहतमाम के साथ अमल फरमाएं। एक, इंशाअल्लाह इस साल ज़रूरत की वजह से मस्जिदों में ही ईदुल अज़हा की नमाज अदा की जाएगी। दो, ईद की नमाज इन तीन अवकात यानि 6:30, 7:15 और 7 बजे में से किसी एक वक्त में अदा कर लें। तीन, नमाजी हजरात लाजिमी तौर पर मास्क पहन कर आएँ। चार, मुख्तसर बयान के साथ ईद की नमाज और खुतबा अदा किया जाए। पाँच, गली कूचों में क़ुरबानी के जानवरों को बांधने और उनकी तस्वीरें फैलाने से पूरी तरह एहतराज करें। छः, क़ुरबानी के फौरन बाद घर के अंदर और बाहर की भरपूर पाकी सफाई करें। सात, बराए मेहरबानी जानवरों की बोटियों वगैरह को गलियों में फेंकने के बजाय म्युनिसिपैलिटी के लोगों के हवाले करें। आठ, हमारी तरफ से किसी भी शिकायत और बदनामी का बिल्कुल मौका न दें। दुआ है कि अल्लाह ताला इस ईद को सभी मुसलमानों के लिए बरकत और आफियत का ज़रिया बनाए और जुमला आफतों और बलाओं से पूरी इंसानियत को हमेशा महफूज रखे, आमीन। हमें चाहिए कि इन हिदायात पर पूरी तरह अमल करें, अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता करे। इन हिदायात पर अमल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।